हेलो दोस्तों, मैं पूनम आप सभी का क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक चीजी पनीर ब्रेड रिंग्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक टोस्ट की हुई स्नैक की रेसिपी है। चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। आज की रेसिपी के लिए मैंने ये सैंडविच ब्रेड ली है। बड़े साइज की हमने ब्रेड लेनी है। ये मैंने 10 पीस स्लाइसेस ली है। इसके नमक हम टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। ये मैंने 6 बड़े चम्मच टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ का लिया है। इसी के साथ मैंने पनीर लिया है, इसे मैंने थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लिया है हाथों से ही। ये भी 6 बड़े चम्मच लिए हैं। 1/4 कप मैंने शिमला मिर्च को बारीक चॉप कर ली है। 3 टेबलस्पून मैंने टोमेटो केचप ली है। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लिया है। ये 1/4 कप बॉइल्ड कॉर्न्स हैं। 1 बड़ा प्याज मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसी के साथ मैंने बटर लिए हैं 3 बड़े चम्मच 3 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ये लहसुन है, इसे भी फाइनली ऐसे चॉप कर लिया है हमने। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। इस रेसिपी में हम लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम काली मिर्च यूज़ कर रहे हैं। तो ये 1 चम्मच ली है मैंने काली मिर्च का पाउडर। इसी के साथ ऑरिगेनो लिया है हमने 1.5 टीस्पून छोटा चम्मच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ऐसे एक ब्रेड का स्लाइस लेती हूँ। और मैंने ये एक मेरे पास डब्बे का ढक्कन था ब्रेड के स्लाइस पे, ये पूरा हो रहा है उस हिसाब से मैंने जो मेरे पास इसके साथ जो ठीक से इसे कट करेगा ऐसे मैंने एक डब्बे का ढक्कन ले लिया है। उसी के साथ मैंने एक छोटी कटोरी भी ली है। हमें ये ब्रेड के स्लाइस को ऐसे काटना है। हमने 10 स्लाइस लिए हैं तो 10 के 10 स्लाइस हम इस ढक्कन के साथ पहले कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे काट लेंगे और ऐसे बना लेंगे। तो सारे 10 के 10 स्लाइस मैं ऐसे कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सारे ब्रेड को राउंड में कट कर लिया है। अब इनमें से 5 को हम अलग कर देंगे और 5 जो स्लाइसेस है उन्हें हम एक छोटी कटोरी की सहायता से इसे बिल्कुल बीच में रख के हमने इसका बीच में से पीस निकालना है। तो ये इस तरह से बन जाएगा पीस हमारा। तो हम एक बड़े वाला स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर ये रख के इसके अंदर हम अपनी फिलिंग भरने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे ये 5 वाले जो हैं, 5 ऐसे बड़े वाले और 5 ऐसे रिंग्स बना लिए हैं। और जो बीच में से हमने ये निकाला है इसे भी हम यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है। अब इसकी जो हम जो इसकी फिलिंग है वो भी तैयार करेंगे और इसके ऊपर जो हम सॉस बना के स्प्रेड करने वाले हैं वो दोनों चीज़ें तैयार करते हैं। तो हमने जो टोमेटो केचप ली है उसमें हम ये जो हमने चॉप किया हुआ लहसुन है इसे डाल देते हैं। सारा डाल लेंगे हम इसमें। इसके साथ हम काली मिर्च पाउडर में से आधा डाल देंगे, आधा हम स्टफिंग में डालेंगे। तो मैं इसमें आधा डाल देती हूँ। ऑरिगेनो जो हमने लिया है उसे हम पूरा का पूरा इसमें डाल रहे हैं। इसी के साथ बटर जो है, बटर भी हम आधा डाल देंगे इसमें और आधा हमें ब्रश करने के लिए रखना है। और साथ में थोड़ा सा नमक इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं और इस सब को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमने इसे मिक्स करके एक अच्छी सी इसकी सॉस बना लेनी है। तो इस तरह से हमारी जो सॉस है वो रेडी हो गई है। बटर जो है हम उसके ऊपर जब लगाएंगे तो ओवन में वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपनी सॉस रेडी कर ली है। अब हम इसका फिलिंग तैयार कर। फिलिंग के लिए हम चॉप किया हुआ ऑनियन ले लेते हैं, इसी में कैप्सिकम डाल देते हैं, बॉईल किया हुआ कॉर्न, ये क्रम्बल्ड पनीर, इसी के साथ मोज़रेला चीज। सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें जो हमने काली मिर्च आदि रख दी थी वो काली मिर्च इसमें डालते हैं, चॉप किया हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम नमक इसमें ऐड करते हैं। और इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिलिंग हमारी रेडी है। फिलिंग के लिए हम चॉप किया हुआ ऑनियन ले लेते हैं, इसी में कैप्सिकम डाल देते हैं,
बॉईल किया हुआ कॉर्न, ये क्रम्बल्ड पनीर उसी के साथ, मोजरेला चीज, सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें जो हमने काली मिर्च आदि रख दी थी वो काली मिर्च इसमें डालते हैं, चॉप किया हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम नमक इसमें ऐड करते हैं। और इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। तो हम एक बड़े वाला राउंड ले लेते हैं, इसके ऊपर हमने जो सॉस बनाई है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं, सारी तरफ लगा लेंगे ताकि हमारा जो ऊपर हम रिंग रखने वाले हैं वो स्टिक भी हो जाए इसके ऊपर। इसे पूरी तरह लगा लेते हैं, तो इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम जो हमने रिंग बनाई है उसे अच्छे से लगा के थोड़ा सा हर तरफ से थोड़ा सा ऐसे दबा लेते हैं और इसके अंदर अब हम स्टफिंग भरेंगे जो हमने स्टफिंग बनाई है। तो इसे हम फ्रेंड्स, रिंग जो है आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी कर सकते हो, मैंने इसका बिल्कुल छोटा छोटा किनारा रखा है, मुझे इसमें स्टफिंग जो है ज्यादा अच्छी लगती है। अगर हम छोटा अगर बड़ा बनाएंगे इसका तो स्टफिंग अंदर बहुत कम आएगी, इस हिसाब से मैंने इसमें ज्यादा स्टफिंग के हिसाब से रिंग को मैंने पतला रखा है। तो इस तरह से हमने इसे भर लिया है, थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे और फिर इसके ऊपर हम साइड्स में बटर लगा लेंगे। तो बटर को मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है और बटर को हम पूरी तरह इस ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। तो जब ये ओवन में बेक होगा तो इसके जो क्रस्ट हैं एकदम गोल्डन बनेंगे, उस हिसाब से हमने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर दिया है। तो इस तरह से मैं अपने सारे जो रिंग्स हैं बना लूंगी और फिर हम इसे ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारी रिंग्स बना ली हैं और मैंने जो बीच का पोर्शन निकाला था उसे भी वेस्ट नहीं किया है, उसी के ऊपर भी मैंने सॉस जो हमने बनाई थी वो स्प्रेड करके ये स्टफिंग हमने ऊपर फैला दी है। और जो इसका हमने ये साइड का निकाला है ये भी वेस्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, इसे भी हम गरम करके इसे पीस लेंगे तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो अब हम इसे ओवन में रखने वाले हैं। ओवन को मैंने 5 मिनट पहले प्रीहीट कर दिया था, मैं इसे ओवन में 15 मिनट्स के लिए रखती हूँ और चेक करते रहेंगे कि हमारा जो ये टोस्ट है अच्छे से बन जाए, तब तक हम इसे ओवन में रखेंगे। तो मैं इसे ओवन में रख रही हूँ, ओवन का टेम्परेचर मैंने 180 डिग्री रखा है और मैं इसे बंद करती हूँ और 15 मिनट्स बाद हम चेक कर लेंगे कि ये बने हैं कि नहीं। 15 मिनट्स फ्रेंड्स हो चुके हैं, मैं इसे एक बार खोल के देख लेती हूँ कि ये कितने हुए हैं गोल्डन। तो आप देख सकते हो ये पूरी तरह से अभी गोल्डन नहीं हुए हैं, तो इसे हम 2 से 5 मिनट और रखते हैं। आप अपने हिसाब से इसे चेक कर सकते हो, अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप ऐसे भी इसे निकाल सकते हो और थोड़े से अगर आपको इसको और क्रिस्पी करना है तो आप थोड़ी देर इसे और रखिए और उसके बाद इसे निकाल लीजिए। 2 मिनट और हो चुके हैं, अब हम ओवन को बंद कर देते हैं और इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, हमारी जो ये रिंग्स हैं बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। दिखने में तो अच्छी है ही, खाने में और भी टेस्टी हैं और इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी हमने डाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इन्हें ओवन में से निकाल के इसकी प्लेटिंग कर दी है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो इसमें वेजिटेबल्स हैं अपने पसंद के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसे तोड़ के कि ये कैसे बनी है। ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से चीजी बनी है, आप देख सकते हो। तो आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।